जल्दी काम दाल शुरू कर। काली मैया की जय। लिफ्ट अप। यस कैप्टन। वेरी गुड। एम छत खराब लग रहा है। हेल्प अभी। ओके ओके ओके। हेल्प 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 हेल्प। आई नीड हेल्प। शाबाश लड़के, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा। आप अच्छा तो हैं। अरे ठीक है। बहुत अच्छे। हाय शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी है। अरुण मधुकर। एरिया बीएसपी सब एरिया। अरुण कैप्टन है। यस मैम। अरुण अरुण मधुकर। ढेलवाड़ी में कैसी माइंस है? ओपन है कि अंडरग्राउंड है? मैम अभी तक हम तीन जो डीएसपी सब एरिया है तीनों के तीनों अंडरग्राउंड माइंस हैं। अंडरग्राउंड माइंस। रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था जी। ठीक है, उसमें फर्स्ट एड कैसे दिया गया था? मैम कौन से माइन का एक्सीडेंट अगर आप बता पाए? जो आपका रूफ फॉल कर उसका जी। मैम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं आप? रूफ फॉल में मैम दो चार चीज़ें हैं। मैम हम सेफ्टी के लिए सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम को हम चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे प्राइमरी मैम जो सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। परमिशन मैम, हम लोग चूँकि मैम एक माइनिंग सरदार भी हूँ तो मेरी एक ड्यूटी भी है कि मैं अपने साथ साथ अपने सब कार्यरत अपने अंडर कार्यरत सभी व्यक्तियों की भी रक्षा करूँ। और इसके लिए मैम अनसेफ जगह पे या फिर अनसपोर्टेड जगह पे मैं किसी को जाने का परमिशन नहीं देता। अगर मैं देखता हूँ ऐसे कोई जगह हो तो उसको मैं फेंसिंग मारता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन हायर अथॉरिटी को करता हूँ। और मैम ये हो गया, ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। और सपोर्ट सिस्टम मैम हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसको स्कैन कहते हैं, डाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, जिसमें मैम हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो कि हमारे माइंड मैनेजर होते हैं वो स्कैम हम लोग डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैम सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं और उसको प्रॉपर चेक भी करते हैं। माइनिंग सरदार को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है? जी मैम, इनिशियली माइनिंग सरदार को देने से होने से पहले मैम उनको एक फर्स्ट एडर होना ज़रूरी है। ओके वेरी गुड जी मैम। ठीक है, हु इज़ फर्स्ट एडर? मैम फर्स्ट एडर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक डिजिग्नेटेड माइनिंग सरदार हो या फिर हर वो आदमी फर्स्ट एडर हो सकता है। आइदर वो एम्प्लॉई हो या ना हो, एक रोड पे भी अगर आपने किसी की मेडिकल हेल्प करी है तब तक जब तक वो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज ना किया गया हो और उनको जो भी फैसिलिटी मेडिकल दी गई है वो इसलिए दी जाती है। तो सबसे पहला मैम ट्रिपल पी हम लोग फॉर्म करते हैं जिसमें सबसे पहला फॉर्म होता है हम लोग उनकी लाइफ बचाते हैं और दूसरा उनकी जो भी कंडीशनिंग है मैम उसको मैं हम बुरा जी मैम ब्रीफ करें मैम उस जो भी चोट लगी है उसको बैंडेजिंग करेंगे और तीसरा उनके वॉर्स कंडीशनिंग को रोकने के लिए जो भी करते हैं मेजर्स ले जी मैम। और फोर्थ मैम कंडीशनिंग है जितनी जल्दी हो सके हम डिस्पोज करते हैं। वेरी गुड, मतलब टाइम सेव करते हैं। यस मैम। ठीक, वेरी गुड। ओके थैंक यू। नेक्स्ट आ जाइए। थैंक यू सो मच। राजकुमार, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेके आप लोग माइंस के अंदर एंटर करते हो? जूता हो गया, कैप लैंप हो गया, हेलमेट हो गया, सेफ्टी लैंप और फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड किट में क्या क्या रहता है? फर्स्ट एड किट में आपका बैंडेड है, बर्न है, जेल है और पेन कवर करने के लिए टैबलेट है, सीजर। वेरी गुड। आफ्टर कोविड क्या दो चीज़ें ज़रूरी हो गई फर्स्ट एड किट में रखने के लिए? जी मैम, आफ्टर कोविड, अभी तो 3 साल कोविड ही चल रहा है जी, उसके बाद क्या चीज़ ज़रूरी हो गई आपको फर्स्ट एड किट में? फर्स्ट सैनिटाइजर, सेकंड मास्क। वेरी गुड, थैंक यू। क्या नाम हुआ?
अरुण मदद कर सकते नंबर वन कैप्टन यस तुम्हारे पास कुछ बिजली का झटका लगा जी सर उसको आप कैसे उपाय उसका क्या का देखोगे क्या उपाय करोगे इसको जी सर सर सबसे पहले तो हम सबसे पहले सर कॉज ऑफ इंजरी को हटाएंगे अगर वो बिजली के किसी भी कनेक्शन से है या तो मैं उसको स्विच ऑफ करूँगा अगर स्विच ऑफ करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसी कोई चीज़ से लेकर मैं उनको उससे हट दूर करूँगा उनको दूर करने के बाद फिर जाके सर वहाँ पे ABC देख सकते हैं या 4B हम चेक कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसको प्रॉब्लम हुआ उसको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखते हैं उसमें सर सबसे पहले अगर वो इलेक्ट्रिक शॉक लगा है इलेक्ट्रिक शॉक लगने में दो तीन चीज़ें हो सकती है हो सकता है वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वो वहाँ बर्न हो सकता है जो कि हमें थोड़ा दिखे अगर हम उसको पहले हम सेपरेट कर चुके हैं फिर उसके बाद उसको शॉक में जाने से हमको बचाना है ये हमारी प्राइमरी फोकस चीज़ें होंगे उस उनके एक पल्स को देखेंगे सर और रेट ऑफ जो श्वास की जो साइकिल है उसको देखेंगे सर वो हो सकता है कि वो मरीज थोड़ा डरा हुआ हो उसको कोशिश करेंगे थोड़ा काम कर लें सर थोड़ा शांत हो जाए और फिर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे सर उसको किसी भी तरह से पानी हम नहीं पिलाएंगे सर पल्स में क्या देखते हैं सर पल्स में तो देखने के लिए सर हम लोग चार जगह से जो बताया गया सर वो देख सकते थे सबसे अच्छा सर वो होता है कैरोटिड पल्स देखें नहीं नहीं वो तो जी साइट बोल रहे हो जी सर पल्स आप देख रहे हो फील हो रहा है उसमें क्या आप उसमें अंतर लगेगा जिसको कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा जी सर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है सर तो हो सकता है डर की वजह से वो थोड़ा पल्स बढ़ा हो जो भयभीत हो चुका होगा थोड़ा और थोड़ा अनस्टेबल होगा जो भी पेशेंट होगा तो पल्स थोड़ा बढ़ा होगा हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक के कारण पल्स में क्या डिफरेंस होता है उसमें क्या अंतर होता है क्या चेंजेज होता है सर एक और चीज़ है सर पल्स थोड़ी धीमी आती है वो हम नॉर्मली अगर हम रेडियल पल्स देखें सर तो रेडियल पल्स हमें थोड़ी धीमी दिखेगी इसलिए बेहतर हो सर कि हम लोग कैरोटिड पल्स को चेक करें ठीक है जाइए थैंक यू सर क्या बना दिए अरुण मधु करना है गॉस पीस निकालिए इसमें से जी मैम परमिशन है आप लगा सकते हैं आप देखिए आपके पास सामान है अच्छा मैं ले लीजिए आपने देखा ही नहीं आपके कुछ अच्छा मैं कोई बात नहीं चलिए रख दीजिए उसको है ना बैंडेज कितने टाइप के होते हैं हम लोग प्रॉपर सिर्फ रोलर बैंडेज के बारे में जानते हैं जो भी देख पाए बहुत कम समय ही मिलता है हम लोग के लिए तो हम लोग सिर्फ रोलर बैंडेज देख पाए और रेगुलर बैंडेज के बारे में जो बैंडेज के किस टाइप से बांधने के तरीके क्या क्या है मैम एक स्पाइका है जो एक हेड पे बांधते हैं मैम जो नहीं नहीं बैंडेज आपस बैंडेज टाइप बताइए कैसे बांधते हैं जी मैम टाइप हो सकते हैं किस प्रकार से बांधते हैं मतलब तरीके होते हैं ना अलग अलग बांधने के नॉर्मल चलिए ठीक है ये है रोलर बैंडेज है ना इसको बांधने के क्या क्या तरीके होते हैं हम सबसे पहले बेस बनाते हैं उसके बाद से टाइप बैंडेज है सर्कुलर बैंडेज होते हैं स्पाइरल बैंडेज होते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज बांधने का तरीका एक आदमी को बुला लीजिए उनके हाथ में एक स्पाइरल बैंडेज बांध के दिखला दीजिए देखो गए हाथ में चोट लगी है ना आ जाइए हाथ में इतना बड़ा रोलर बैंडेज यूज करेंगे घबराइए मत बहुत सिंपल सा है ना थोड़ा सा बस ध्यान लगाइए स्पाइरल बैंडेज एक बेस बना आप इधर आइए प्लीज
ठीक है रहने दीजिए। बस बस ये क्या है अब? हाँ लगा के दिखाइए, ये निकाल दीजिए आप अपने पे लगा के दिखाइए। ये सिर्फ यूज आर्टिफिशियल डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। मैम ये अप्लाई करने का तरीका होगा, और इनकेस हम लोग इनको माउथ टू माउथ नहीं दे रहे हैं तो कैसे देंगे? इसके थ्रू मैम इसको ये करेंगे, यहाँ से इनहेल होगा। वहाँ पे ना सील बंद करके ऐसे रखना। जी मैम ये जगह इस इससे ये जो है जी। इसको ऐसे सील के शेप में ही सील बंद करिए, फिर उसके बाद वॉश करिए। जी मैम, और इसमें एक्स्ट्रा एयर मैम यहाँ से रिलीज होता है। ये जल्दी काम ताल शुरू कर, डीएसपी सब एरिया टीम भी स्ट्रेचर ड्रिल के लिए हाजिर है। मैम मैं टीम के परिचय और उनकी नंबरिंग की अनुमति चाहता हूं। मैम जय हिंद जय सुरक्षा। मैम टीम टेक योर पोजीशन। मायसेल्फ अरुण कुमार मधुकर नंबर वन कैप्टन ऑफ द टीम, राजकुमार नंबर टू, नंबर थ्री पे खटुआ जी रहेंगे, यस कैप्टन, नंबर फोर पे यादव बंजारे जो कि टीम के वाइस कैप्टन भी रहेंगे, और मेरी अनुपस्थिति में टीम के कैप्टन भी रहेंगे, यस कैप्टन, नंबर फाइव अजीत कुमार रहेंगे जो कि अभी हेल्पिंग मोड में रहेंगे और टीम के बाहर हो सकते हैं, यस कैप्टन। अब इस तरह से हम अपने नंबर को दोहराना चाहेंगे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। स्ट्रेचर ड्रिल करने से पहले मैं सभी मेंबर से कुछ पूछना चाहूंगा, आप तैयार हैं? यस कैप्टन। आप सभी वैलिड सर्टिफिकेट फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होल्डर हैं? यस कैप्टन। किसी ने नाइट शिफ्ट ड्यूटी तो नहीं करी है? नो कैप्टन। नंबर फोर जो कि वाइस कैप्टन ऑफ द टीम भी है, मैं उनको बताना चाहूंगा मैं चीफ जज के पास जा रहा हूं और उनसे पेशेंट की जानकारी लूंगा। पेशेंट की जानकारी लेने के बाद जब तक मैं आऊं आप टीम को फर्स्ट एड के गोल्डन रूल के बारे में बताएंगे और इनको बहुमूल्य जानकारियां देंगे। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम जल्द जल्द से जल्द बिना नुकसान पहुंचाए हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। सबसे पहले परामावश्यक काम शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोलाहल के करें। क्लियर क्लियर। उसके बाद थैंक यू सो मच। क्लियर क्लियर। फिर बदले का उपचार करेंगे। क्लियर क्लियर। नंबर फाइव आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग गोल्डन रूल के बारे में जानकारी ले लिए हैं, सब कुछ बताओगे? अभी तक जो मुझे हमें मिला है पेशेंट की जानकारी, एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि वे में होगा, राइट थाई फ्रैक्चर का इन्फॉर्मेशन मिला है। राइट थाई फ्रैक्चर में हम जितने भी बैंडेजेस अप्लाई करेंगे इसकी जानकारी आप वाइस कैप्टन रखेंगे, ब्लैंकेट और स्ट्रेचर आप दोनों इस चीज को चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही लेंगे। रोप आप साथ में रखेंगे, रेगुलर बैंड। हाँ, और इससे पहले हम सभी जाके वहाँ इंफॉर्मेशन देंगे कि हमको कैपलेम चाहिए, कैपलेम की लेने के बाद ही हम लोग मूव करेंगे। यस कैप्टन। चलो बी रेडी, टेक योर पोजीशन। नहीं, हाय, 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 हाय,
बत्ती रूम का। चलो कैप्टन बत्ती के लिए बत्ती कौन देगा? बत्ती आप ही देंगे? हाँ यही बत्ती है, यही चलो ब्लैंकेट कट लेना है जी। दो लेना दो, दो ले रहे भैया पॉकेट में कॉर्ड ना। हाँ कोई बात नहीं, ईमानदारी जिंदा है। हाँ ईमानदारी जिंदा है। लोग देख लीजिए, दो ठो चेक कर लीजिए। जी आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अभी टाइम इसको नहीं रही है, आराम से आप लोग सारा सामान गिन के लीजिए। काली मैया की जय। जल्दी से जैसे पेशेंट को रिकवर करेंगे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। वेट, ये चोट के ऊपर और चोट के नीचे एक एक बैंडेज अप्लाई करिए, ये बहुत जरूरी पार्ट है। वेरी गुड, घबराने का जरूरत नहीं, हम लोग आ गए हैं, जल्दी से जल्दी आपको पहुंचाएंगे। मेंटेन द लेवल, मिनिमम वाइब्रेशन, यहाँ से धीरे धीरे मेरे साथ आइए। वेरी गुड, फॉलो करिए मेरे। यस कैप्टन, बहुत अच्छा। मेंटेन द लेवल, मेंटेन द लेवल, मिनिमम लेवल, बहुत अच्छा। नाउ यहाँ एफएस को अप्लाई करिए, इनके हेलमेट को हम खोल देंगे। बैंडेजिंग, बैंडेजिंग फटाफट। बस ब्लैंकेट को इनके गर्दन के पास मोड़ के रख देंगे। आपको हिलाना नहीं, आप परेशान नहीं है, फास्ट करो। जब तक हम हैं, जब तक हम हैं, आप अपने आप को चोट भी नहीं पहुंचा पाएंगे, चाह के भी नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो दूर की कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं। बैंडेजिंग लेट मत करो, लेट टाइम ही कर देखना है, ठीक है। प्रोड ड्राइवर सर, एक हरी अप और मंगलू कहाँ कहाँ घूमने गए? याद रहो, फास्ट करो, याद रहो, फास्ट करो। और पर सब परिवार में सब कर रहे हैं? परिवार वाले जुड़े हैं, लेकिन आप बिल्कुल इस पर नहीं। अरे टाइम याद रहा, टाइट करना एकदम ना, गिरा नहीं रहेगा। चलो 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 चलो, फास्ट करो। ठीक है, 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 ठीक है,
सामने एक वॉल है, टीम स्टॉप, डाउन द स्ट्रेचर, सामने एक वॉल है, जल्दी 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 चेक करके आ रहे हैं, जब तक ना बोले पेशेंट को मत ले आइएगा। यहाँ सामने एक वॉल है, वॉल में मुझे एक चीज और चेक करना होगा कि हो सकता है यहाँ पे CO2 गैस हो सकती है जो हवा से भारी हो, तो हम CO2 गैस को की चेक कर रहे हैं। ये लो मेरा ना कम हो रहा है ना बुझ रहा है, तो ये मेरे को पूरी तरह बता रहे हैं ये सेफ है, लोकेशन सेफ है। आप हेड फर्स्ट ले आ रहे हैं, हम पेशेंट को हेड फर्स्ट सिर्फ इसलिए ला रहे हैं क्योंकि पेशेंट का मेजर पार्ट इनके सिर के आसपास की धड़ों में होता है। मटेरियल्स मटेरियल्स प्लीज, मटेरियल्स मटेरियल्स प्लीज, वाइस कैप्टन मटेरियल्स प्लीज, थैंक यू। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, डाउन द स्ट्रेचर, इनवे परमिशन, वाइस कैप्टन थैंक यू फॉर द हेल्प। बीच में हो सकता है यहाँ CO2 गैस हो सकती है, यहाँ पे इसके लिए मैं सबसे पहले चूना छीट रहा हूँ। अगर कुछ ऐसी गैसें हैं तो ये चूना के साथ रिएक्ट करके वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब मैं अपने नोज को इससे ऊपर रख रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसी गैसेस हैं जो मुझे हानि पहुँचा सके उससे मैं सेफ हूँ। ये सेफ है, ये देखकर मैं नीचे कूदा हूँ और ये जगह सेफ है। आप लोग अपना अपना मास्क लगा लीजिए, टीम आप सभी अपना अपना मास्क अप्लाई कर ले, ये मास्क अप्लाई कर ले। हालांकि ये जगह सेफ है फिर भी एक रनर दे। डाउन द स्ट्रेचर, सामने एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर में बिल्कुल मैं गैस चेक कर रहा हूँ, जब तक बोलू ना तब तक पेशेंट को आप आगे नहीं लाएंगे। कहते ठीक लग रहा है, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द पहुंचेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब पेशेंट को हेड फर्स्ट करके थोड़ा आगे बढ़ा दे। बहुत बढ़िया टीम, टेक केयर पोजीशन। ये तो स्ट्रेचर, यहाँ पे एक सीटी रहेगा, चला का है, चला का है। अरे वाह उत्तम, पांच ठीक है, पोजीशन चेंज योर पोजीशन, पट्टी वाह वाह, स्टार्ट सुने ना, अब मेंटेन द लेवल, मेंटेन द लेवल, कमेंट कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। छत खराब लग रहा है, हेल्प अभी, ओके कैप्टन, जमा उसी से डाल उसी, ठीक ठीक, ओके 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 ओके, चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस कैप्टन, गुड, ओके हां कैप्टन, ओके शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो, वेल डन वेल डन, सामने लगा दी है, यस कैप्टन, टेक प्लीज, यस कैप्टन, चलो चलो चलो, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हेल्प 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 हेल्प, आई नीड हेल्प, तालियां बजती रहनी चाहिए है ना, वेरी गुड, हां चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश लड़के, शाबाश शाबाश शाबाश, चले चले, बहुत सुंदर, एक नंबर हो रहा है, को हेड फर्स्ट करते टीम, सारे लगा दिया, डाउनलोड कर दिया, यस कैप्टन, ध्यान रखिए, यस कैप्टन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश लड़के, शाबाश शाबाश शाबाश, टीम छत ओके है, अब फर्क को बचाते हुए चलेंगे, यस कैप्टन, बहुत अच्छा बॉल, खूब जल्दी गया यार, चलो चलो चलो,
चलो चलो लड़के चलो फास्ट फास्ट बॉयज फास्ट फास्ट टीम टेक योर पोजीशन लगा नहीं पा रहा एक द पेशेंट लेग पास नंबर 2 मैन कैरी लेग पास चलिए चलिए वेरी वेल चल 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे आते तक कोशिश करें वो अप्लाई कर दे खदान की जाने की तैयारी में सारी पारी की हड़बड़ी नहीं लोकेशन को पहले चेक करो ढाला ये जगह सेफ है लपेट ले हाथ में लपेट आपकी मदद चाहिए होगी अपना छोड़ेंगे बहुत अच्छा उठाके उठाके शाबाश 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 जूता पहना के ले जा रहे हो थोड़ा देर ले लो कैप्टन टेक द एम्बुलेंस सबसे पहले मैं टायर चेक कर रहा हूँ तुम एम्बुलेंस ड्राइवर हो पिए तो नहीं हो सब ठीक है थोड़ी स्पीड देते जानो था फास्ट कर ओके टीम के द्वारा आ रहा है चल 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरुण अरुण बन गया बंद हो जाएगा बैठो चल 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 फड़ा फड़ फड़ पहुंच गया कोई जरूरत नहीं है अरे करो तो बोल दो कि आ गया जाओ करो जाके
हमने इनको प्रॉपर फर्स्ट एड दिया जहाँ हो सकता है पढ़ने के बाद हम इनको जितना जल्दी हो सके आपको रिपोर्ट करूँ मैम आगे देखूँ इसी ड्यूरेशन में मैम हमने इनका पल्स चेक किया पल्स के साथ साथ चेक कर सकते हैं ब्रीथिंग रेट हमारे पास इनिशियली मैम 19 और 90 था और आफ्टर परचेज 17 और 82 था मैम अभी भी थोड़ा ज़्यादा है होपफुली मैम आपके पास पहुंच गए हैं तो हम पूरी तरह से पैर हिलना था इनका नहीं मैम पैर नहीं हिला था हमने जितनी सस्ता हो सकती थी उतनी ही भाई मैम उनके टो को पकड़ के और इनके हिप को स्टेबल करके उस पैर को सीधा करके हमने उनको एक प्रॉपर स्टेबल करके नहीं मैम एक्सटर्नल कुछ भी हमें नहीं दिखा एक्सटर्नल हमें दिखा होता तो मैम नहीं मैम जैसा कि पूछ पाए ये बताया जाते हुए गिर गया तो जो हमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग और ऐसा कुछ दिखा हमें उसके अकॉर्डिंग काम करा रहे एक्सटर्नल कोई ब्लीडिंग नहीं मिली उसके लिए हमको कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं मैम हमने कैरोटिन को चेक करा एक यहाँ और मैम पल्स अप्रॉक्सीमेटली इनिशियली जब हम लोग चेक किया तो हमें 90 मिला मैम अगर आप परमिशन दें मैडम सरायपली को क्या केस दिया हमने एक चीज ध्यान रखेंगे पेशेंट का राइट हैंड बिल्कुल मैम के डायग्नोसिस के अंदर राइट हैंड हुआ है सर हाँ बिल्कुल राइट थाई में हुआ भी है और राइट हैंड इस साइड होगा तो हेड इस तरफ ही होगा टेक योर पोजीशन अपना ही लोग पोजीशन लेंगे ठीक है हेलो बहुत अच्छा मैं कहाँ मेरा जाना था पा रही है पेशेंट लोग पार आइए लेके आते नहीं पार आइए चेक करवा मिनिमम वाइब्रेशन बहुत अच्छे सब आस नीचे रखिए मैम के डायग्नोसिस के लिए स्टार्टिंग आप मैम इनको खोल सकते हैं दोनों पैर की बीच में क्या लगा हमने गॉज लगाया था मैम वो गमपुर दिया है मैम जो लेदर का काम करता है तो साथ साथ ये स्पेस भी था मैम एक गॉज का दो उसको हम लोगों ने लगाया था हो सकता है बीच में कहीं अरे दिख गया आज सामने मैम ये स्वेलिंग जैसा कुछ हमें दिखा मैम स्वेलिंग के इस तरफ आ रही ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंजर्ड पार्ट मैम इसको हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी है इंजरी के नीचे ये हम लोगों ने सबसे पहले जॉइंट को फिक्स करा मैम ये टो के जॉइंट को फिक्स करा ये नी के जॉइंट को फिक्स करा नी के जॉइंट के बाद मैम चोट के ऊपर और चोट के नीचे बाद में मैम हम लोगों ने इस जॉइंट को भी फिक्स करा है और इनिशियली हमने मैम इस स्प्लीन को फिक्स करना ज़रूरी समझा इसलिए एक स्प्लीन को फिक्स किया और यहाँ भी हम इनको इस जगह ये जगह दो जगह से स्टेबल कर दिए अब इनको इस तरफ कर रहे हैं आप रोल करिए रोल करिए बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं रोल करिए और रोल करिए और रोल करिए और रोल करिए धीरे धीरे लोअर डाउन करिए धीरे धीरे लोअर डाउन करिए इनके ओरिजिनल पोजीशन में रखिए ओरिजिनल पोजीशन में रखिए इनको ओरिजिनल पोजीशन में रखिए ओरिजिनल पोजीशन में रखिए ओरिजिनल पोजीशन में रखिए और ब्लैंकेट खींच लीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम इनके इंजरी को इंजरी में मूवमेंट नहीं होने देंगे आप टेंशन में डॉक्टर सर लोग हैं आपको स्प्लिन को रिमूव कर लीजिए मैम बिल्कुल अब टेंशन फ्री रहिए अब सर लोग के लिए इसमें आ रहे हैं अच्छा किसी ट्रीटमेंट होगा आपका अब आप सेफ हो गए हैं हम जल्दी साथ में खाना पीना खाएंगे फिर ठीक है इंजरी के प्लेस तो मुझे सिर्फ नहीं लगी है क्योंकि हो सकता है फीवर है इंटरनल कुछ हो सकता है तो शायद आप अंदर मेडिकल डायग्नोसिस के बाद थैंक यू मैम चलिए टीम पोजिशन लेके चल
यहाँ डॉक्टर पांडे साहब लोग बता कर जमा कर। अरे इधर हाथ मिला लो। वेरी गुड वेरी गुड।